हमारे गांव का दुकान, ये देखिए, दिन को काम पे गए थे और ये रहते हैं वहां पे, ये देखिए, ये है उनका मकान बहुत दूर ये, तो चलता हूँ, ठीक है, दुआ करना इरशाद भैया, तो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त तांत्रिक मुश्ताक। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव मच्छल वैली में, तो इंशाल्लाह आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे मुझे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए करते हैं आज का ये प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए हमारे गांव का ये खूबसूरत नज़ारा, माशाल्लाह। सो दोस्तों, अभी मैं पूछ चुका हूँ अपने गांव के खूबसूरत से रोड पे, मैं आपको यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा दूँ। दोस्तों ये देखिए हमारे गांव का रोड, बहुत ही खूबसूरत रोड है। ये देखिए कितनी बर्फ़ है रोड पे जमा, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़। जा रहा हूँ दुकान की तरफ कुछ सामान लाने के लिए, यहाँ से आ रहे कुछ साथी छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ, कैसे हो आप सब? ठीक है। कहाँ थे? दुकान। अच्छा दुकान। हाँ, कैसा मज़ा लग रहा है आपको यहाँ बर्फ़ में? अच्छा, अच्छा, आप क्या बताना चाहते हो लोगों को कि विलेज लाइफ में कैसा मज़ा है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा मज़ा है। अच्छा, सुकून मिलता है। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हो आप? वहाँ पे। कहाँ? अपने घर। अच्छा, सो गाइस ये देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ है जमा यहाँ हमारे गांव। मैं जा रहा हूँ अभी अपने दुकान की तरफ, अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ गांव में कैसे दुकान होते हैं। दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पे, ये कब्रिस्तान है यहाँ से वहाँ तक। सो हम यहाँ पे दुआए मगफिरत भी करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे गाँव का दुकान, ये देखिए हम वहाँ पर जाएँगे सामान लाने के लिए। दोस्तों ये है इरशाद भाई का दुकान, हम वहाँ पे चलते देखते क्या मिलता है इनके दुकान पे, क्योंकि आज माह रमज़ान है, घर के लिए कुछ सामान भी लेना है। इरशाद भाई से पूछते हैं कि कुछ लाया भी है उन्होंने या नहीं। सो चलते दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई। वालेकुम सलाम। इरशाद भाई ठीक हो? हाँ ठीक, आप ठीक हो जी? सो दोस्तों ये है इरशाद भाई, इनका दुकान है यहाँ पे हमारे गाँव में, ये देख सकते हैं आप, ये है दुकान, छोटा सा दुकान है ये। इरशाद भाई बहुत दूर रहते वहाँ ऊपर, अब यहाँ पे दुकान डाला है, इसी से गुजारा करते हैं अपने बच्चों का। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। अच्छा भाई, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पे यहाँ? और अच्छा किरयानी भी। अच्छा, माह रमजान के लिए कुछ रखा है आज हम लेने के लिए आएंगे शाम को? अच्छा अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये इरशाद भाई और ये है इनका दुकान, ये देखिए छोटा सा दुकान है, क्योंकि ये विलेज लाइफ किसको कहेंगे फिर, ये है विलेज लाइफ, ऐसे गुजारते हैं। ये मिलता है यहाँ पे टमाटर है, गाजर है। चल भाई मैं चलता हूँ, शाम को आता हूँ कोई सामान लेने के। चलो ठीक है, अभी मेरे पास पैसे साथ नहीं है, तो चलता हूँ, ठीक है, दुआ करना इरशाद भैया, तो चलते। तो दोस्तों मैं निकला हूँ इरशाद भाई की दुकान से अब वापस, अब जाएंगे घर की तरफ। ये देखिए पीछे ये इरशाद भाई का दुकान, बर्फ़ से पूरी तरह बंद हो चुका है, फिर भी गुजारा करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अब घर की तरफ, मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तो फिर। यहाँ पे मिले एक भाई हमें, अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल साहब, ठीक हो भाई? आप ठीक है? कहाँ थे आप? मैं इधर चला गया था दुकान पे। अच्छा अच्छा, ये क्या साथ में? ये बेचा है। अच्छा, कहाँ काम पे थे? हाँ जी, ये गुलाम रसूल साहब बहुत ही मतलब मेहनत से काम पे गए थे और ये रहते हैं वहाँ पे, ये देखिए ये है उनका मकान बहुत दूर, ये यहाँ पे मकान, अभी वहाँ तक जाना है, वहाँ पे रोड भी नहीं है और ये विलेज लाइफ किसी को। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस, ये रोड है, रोड एक यहाँ पे खुला है, बस यहीं पे खुशी देखने को मिलेगा आपको, बाकी किसी भी जगह पे नहीं। ये देख सकते हैं आप कितनी बर्फ़ है रोड पे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ये गाड़ी आई है यहाँ से मच्छर वैली, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मज़ा विलेज लाइफ में है ना, वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विलेज लाइफ में सुकून की लाइफ, शांति सी जिंदगी, सिंपल से लोग रहते हैं, बहुत ही मज़ा आता है विलेज लाइफ गुजरने में। तो अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो हमारे यहाँ मच्छल वैली में ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, क्योंकि आज हमें बर्फ़ है इसकी वजह से यहाँ पे आज थोड़ा सा। यहाँ पे मिले हैं हमें एक भाई, हाँ शाकिर भाई बताइए कहाँ से लेके आ रहे हैं आटा? ये मार्केट से लाए हैं। अच्छा मार्केट से? जी जी मार्केट से।
अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है ओके जाओ जाओ। तो अभी तक आपने देखा ही होगा कि कैसे गुजारते हैं यहाँ पे लोग जिंदगी। वो आटा भी लेके आते हैं कंधों पे वहाँ बाजार से, विलेज लाइफ। यहाँ से ये देखिए गाइज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। ये देखिए कितनी बर्फ़ जमा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मेरे ख्याल से 3.5 फीट बर्फ़ जो जमा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मच्छर वैली का। तो दोस्तों करते हैं आज का ये प्यारा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म। और अगर आप मेरे इससे भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें, और ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यूट्यूब चैनल का नाम है तांतरे विलेज व्लॉग्स, ज़्यादातर वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। सो और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगर आप मेरे और भी विलेज व्लॉग्स देखना चाहते हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल तांतरे विलेज व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अस्सलाम वालेकुम।